दिन भर की सभी खबरें। मधुबनी जिले में कोरोना का संक्रमण अपनी रफ्तार के साथ जारी। जिले में आज दोपहर तक मिले 61 नए संक्रमित मरीज, इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या हो गई 1930। अब तक 1126 लोगों ने दी है कोरोना को मात, 3 लोगों की हो चुकी है मौत, 741 लोगों का चल रहा है उपचार। मधुबापुर के सीएससी में शिविर लगाकर पीएम मातृत्व सुरक्षा कार्यक्रम योजना के तहत कुल 35 गर्भवती महिलाओं की हुई ANC जांच। शिविर में पहुंची गर्भवतियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनका ब्लड सैंपल लेकर TC, DC, विडायल, यूरिन आदि की हुई जांच। गर्भवती महिलाओं को दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। मधुबापुर में कार्यरत नी वर्तमान CEO सिद्धू कुमार को तबादला होने पर पाक दोपटा के साथ अलंकृत कर दी गई सम्मानजनक विदाई। BDO वैभव कुमार को सौंपा अंचल का प्रभार, विलंबित नहीं होने के कारण नहीं आ सके नए CEO। बेनीपट्टी में चोरी के सोने चांदी के गहने, 4 मोबाइल फोन व बाइक के साथ चोर धराया। रात्रि गश्ती के दौरान सोनहौली पुल के निकट SH-52 से पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के बरमौल गांव के विवेक राय ने धराए चोर। कुकरी की ओर जाने के दौरान चेकिंग में चढ़ा पुलिस के हत्थे। बेनीपट्टी में पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होने से वित्त रहित शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों के समक्ष भूखमरी की आ गई नौबत। अनुदान राशि नहीं मिलने के कारण बद से बदतर हो गई है कर्मियों की स्थिति। कोरोना को लेकर मार्च महीने से जारी लॉकडाउन के बावजूद वित्त रहित शिक्षकों के द्वारा अंतर स्नातक व माध्यमिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य किया गया संपादित। प्राचार्य की मनमानी के खिलाफ RHA इंटर कॉलेज में छात्र, अभिभावक व कर्मियों ने किया हंगामा। नामांकन के नाम पर बिना रसीद प्राचार्य छात्रों से वसूल रहे हैं 1300-1300 रुपए, जबकि 875 रुपए लेने का बोर्ड का है निर्देश। कर्मियों का आरोप, नामांकन राशि बैंक में जमा करने के बजाय अपने साथ घर ले जाते हैं प्राचार्य। टोला में बीते दिनों हुई जदयू नेता हत्याकांड के एक और नामजद आरोपी गिरफ्तार। लोखा थाना क्षेत्र के उड़वा गाँव के धर्मेंद्र कुमार महतो है बहुचर्चित जदयू नेता राम रतन कुशवाहा हत्याकांड के नामजद आरोपी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। अबू बरही में बिजली के चपेट में आने से 32 वर्षीय महिला की हुई मौत। पिरही पंचायत के खलुआ टोल की घटना, रिंकू देवी है मृतिका। अंधरा ठाणे पुलिस ने मां दुर्गा क्लिनिक के संचालक ओम प्रकाश प्रधान को गिरफ्तार कर भेजा जेल। दूसरा आरोपी उनका बेटा मुन्ना कुमार घटना के बाद से है फरार। बीते रविवार को मास्क चेकिंग के दौरान महिला आरक्षी बल के साथ धक्का मुक्की करने का है आरोप। जयनगर के देवधा थाना पुलिस ने नेपाल से शराब तस्करी कर ला रहे एक युवक को 90 बोतल शराब के साथ किया गिरफ्तार। देवधा थाना प्रभारी रमेश चंद्र शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि धराए शराब तस्कर भरत यादव को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर SDO शंकर सिरन ओमी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 15 अगस्त को सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों पर झंडोत्तोलन कर सादगी से स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्देश। आज जयनगर में रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से 38 व्यक्तियों की हुई कोरोना जांच, जिसमें बस्ती पंचायत वार्ड 15 में एक, कुआड के एक और सेलरा गाँव के मिले एक नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। CM 7 निश्चय योजना के तहत बनी है सड़कें, ग्रामीणों ने CM 7 निश्चय के सभी योजनाओं में अनियमितता बरतने का लगाया है आरोप। थाना क्षेत्र के नवरत्न टोल में बीते दिनों अपनी ही पत्नी को फांसी लगाकर हत्या के आरोपी पति चढ़ा पुलिस के हत्थे। नवरत्न टोल के सतीश यादव पर है अपनी ही पत्नी रीना देवी की फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप। गुप्त सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बिस्फी प्रखंड के बलहा पंचायत के डीलर मोहम्मद अली शेख द्वारा कालाबाजारी के मामले में डीलर सहित 2 लोगों पर MO ने दर्ज की प्राथमिकी। MO दिनेश धारी सिंह ने दी है जानकारी। पिछले दिनों ग्रामीणों ने पकड़ा था कालाबाजारी का खाद्यान्न। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से सटे विद्यापति उच्च प्लस टू विद्यालय की हालत दयनीय। पानी के जल कुंभी और जंगल होकर विद्यालय आने जाने के लिए विवश है शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राएं। कभी भी हो सकती है किसी के साथ अनहोनी घटना, नहीं खुल रही किसी की नजर। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे आम जनता। जाप के प्रखंड अध्यक्ष बिजन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपदा की इस घड़ी में स्थानीय विधायक, सांसद, मुखिया सहित जन प्रतिनिधियों पर लगाया पीड़ित जनता को बेसहारा छोड़ देने का आरोप। झंझारपुर में आज रैपिड एंटीजन किट से हुई 115 लोगों की कोविड जांच, जिसमें 9 लोगों का आया रिपोर्ट पॉजिटिव। झंझारपुर अनुमंडल में कोविड-19 का संक्रमण रोक
शुरू। कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा 50 हेक्टेयर का किया गया फोटोशूट। मॉडल जांच के लिए टेस्टिंग प्रक्रिया के तहत जिले में सुखेत पंचायत का हुआ है चयन। झंझारपुर प्रखंड के नए वीडियो ने किया पदभार ग्रहण। 37वें वीडियो बने कृष्ण कुमार। नी वर्तमान वीडियो विनोद कुमार कुमार सिंह से लिया योगदान। झंझारपुर के ललित नारायण जनता महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज में लगाया मे आई हेल्प यू कैंप। महाविद्यालय में नामांकन के लिए आए नए छात्रों की कोरोना स्क्रीनिंग कर मास्क का किया वितरण। फुलबरास थाना क्षेत्र में NH-57 पर खोबा पेट्रोल पंप के निकट सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, एक अन्य जख्मी। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस। खुटौना थाना क्षेत्र के खुशियाली पट्टी गांव के 16 वर्षीय सचिन कुमार है मृतक। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।